हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते. वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल. मैं हूँ किरण. दोस्तों, आज फिर से आपके लिए बहुत ही बढ़िया हेयर डीआईवाई लेकर के आई हूँ, और इससे आपके बाल बेहद खूबसूरत, मुलायम, घने हो जाएंगे दोस्तों. और साथ के साथ ही अगर आपके बालों में सबसे ज्यादा टूटने झड़ने की समस्याएं हैं वो ठीक होगा. और आज का जो डीआईवाई मैं बनाने वाली हूँ, अलसी के बीज से, यानी कि तीसी से, इंग्लिश में इसको आप फ्लैक्स सीड्स भी बोल सकते हैं दोस्तों. दोस्तों, अलसी के बीज में कहा जाता है कि फैटी एमिनो एसिड्स होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है. प्रोटीन होता है, और कहा जाता है कि अगर आप टकले हो, आपके सर में बाल नहीं है, तो गंजे सर पे भी बाल उगाने की इसकी ताकत होती है. तो बहुत ही बढ़िया होता है, इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है. ये हमारे बालों के साथ साथ ही स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. और अगर आप मोटापा से परेशान है, तोंद लटकी हुई है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा वरदान है दोस्तों. तो हर तरीके से अलसी का बीज जो है हमारे लिए फायदेमंद होता है. अलसी का बीज को आप जो है इसको भून करके खा सकते हैं. इससे आपका मोटापा तो कंट्रोल होगा ही होगा, साथ के साथ ही ब्लड शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं, जिसको डायबिटीज होती है, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा वरदान होता है दोस्तों. ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है, और आपके बॉडी में जो है फैट बनने नहीं देता है. और साथ के साथ ही अगर आप खाना पीना अच्छे से खाते हैं, पचता नहीं है, तो ये डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. और अच्छे से डाइजेस्ट होगा खाना, तो अपने आप ही आपके बॉडी में फैट नहीं बनेगा. तो हर तरीके से फायदेमंद होता है. तो लेकिन आज मैं इसको जो है डीआईवाई की तरह बता रही हूँ, कि जिससे आपके बालों को बहुत ज्यादा सिल्की सॉफ्ट, मुलायम करेगा. टूटते झड़ते बाल हैं, बालों, अगर आपके सर में बाल नहीं भी है, बहुत ज्यादा क्या होता है आजकल, बाल झड़ने लगे हैं, जिससे बालों की जो आप देख सकते हैं स्किन स्कैल्प दिखने लगता है लोगों का, तो उसका कम हो जाएगा लगातार इसका इस्तेमाल करने से. ये हमने लिया है अलसी के बीज, तीसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स. तो उसके बाद इसको बनाना कैसे है, बहुत ही इजी प्रोसेस है. आपको कोई भी बर्तन लेना है, उसमें आपको पानी लेना है. पानी आपको लेना है 1 से 1 कप के आसपास ले सकते हैं, 2 कप भी ले सकते हैं, 3 कप भी ले सकते हैं, जितना भी आपका लंबा बाल है उस हिसाब से इसको आपको अच्छे से बना लेना है. उसमें आपको डालना है 1 से 1.5 चम्मच तीसी यानी कि अलसी के बीज. और दोस्तों, इसको जो आपको जो है बॉयल करना है, बहुत बार क्या होता है बहुत ज्यादा बॉयल हो जाता है, जिससे बिल्कुल जेली फॉर्म में हो जाता है, जिसको कि आप छान सकते हैं कॉटन कपड़े से. लेकिन यहाँ पे मैं उस फॉर्म में नहीं ला रही हूँ इसको, मैं बिल्कुल कम ही बॉयल करूंगी, जिससे बहुत ज्यादा लिक्विड ये जेली फॉर्म में नहीं होगा. हल्का सा जब ये चिपचिपाहट जैसे इसके में दिखने लगेगा, उतना तक ही इसको मैं बॉयल करूंगी. तो ये देख सकते हैं, इसको अच्छे से लगभग मैंने 2 से 3 मिनट ही बॉयल किया है. बहुत ही ज्यादा मैंने बॉयल नहीं किया, बहुत ज्यादा बॉयल करने पर बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है, चिपचिप, और ये जेली फॉर्म में हो जाता है, जिसको छानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. तो यहाँ पे मैं इसको हल्का जैसे ही चिपचिपाहट के अंदर आ जाएगा, तभी मैं क्या करूंगी, गैस को बंद कर दूंगी. तो बहुत ही अच्छे से हमारा बॉयल हो चुका है, ये देख सकते हैं, और हल्का सा चिपचिपाने भी लगा है. तो बस इतना ही तक मैं इसको बॉयल करूंगी. बॉयल करने से तीसी के जितने भी फायदे हैं, सबके सब इस पानी में आ चुका है, और ये पानी जो है बिल्कुल भरपूर मात्रा में हमारे बालों के लिए फायदेमंद हो चुका है. इसको यूज करने से आपका बाल बहुत ज्यादा सिल्की सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा. और अगर दोस्तों आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, आपका स्कैल्प दिखता है, तो इसका लगातार इस्तेमाल कीजिए. आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके नए नए बालों में शुरू हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या करना है, गरम गरम इसको अच्छे से स्टेन कर लीजिए, स्टेन कर लीजिए यानी छान लीजिए, और हल्का सा ज्यादा बॉयल हो भी जाए तो गरम गरम ही स्टेन करें, क्योंकि बहुत जल्दी ये जेली फॉर्म में आने लगता है, इसलिए जल्दी ही गरम गरम इसको छान ले. गरम गरम छानने के साथ ये नहीं कि गरम गरम ही आपको इसको बाल पे लगाना है, इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लेना है, क्योंकि बाल के लिए कोई भी गर्म चीज अच्छा नहीं होता है, चाहे वो पानी इस्तेमाल करे, या फिर आप इस तरह का कोई भी डीआईवाई बनाए, या फिर आप आयरन हीट वगैरह देते हैं, तो वो सभी चीज जो है हमारे बालों को डैमेज करता है. कोई भी चीज इस्तेमाल करें तो उसको अच्छे से ठंडा करके इस्तेमाल करें. बहुत सारे डीआईवाईज बनाती रहती हूँ, तो सभी डीआईवाईज में मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि पानी को या फिर इस तरह का कोई भी डीआईवाई बनाए तो उसको ठंडा करके आपके बालों पे इस्तेमाल करना है. इससे आपके बाल के टूटने झड़ने की समस्याएं जो है बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों. बहुत ही बढ़िया सा टिप्स, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा कि गर्म चीज अपने बालों पर ना इस्तेमाल करें. तो ये इसको मैंने बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लेना है, और जैसे ही बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे मैं जो है शैम्पू करने के बाद आपको अच्छे से लगाना है, इस तरीके से धोना है, जिस तरीके अगर आपके बाल की स्कैल्प साफ रहेगी, सुथरी रहेगी, तभी इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा. और जड़ों से लेकर सिरों तक इसको अच्छे से इस तरीके से लगा लेना है. और दोस्तों, लगाने के साथ ऐसा नहीं कि तुरंत इसको वॉश कर लेना है. तो शैम्पू करने से आपके बाल बहुत ही क्लीन हो जाएंगे. स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखिए, जिससे बहुत ज्यादा डैंड्रफ नहीं होगा. और कोशिश करें कि वीक में कम से कम 2 बार शैम्पू करें, और इस तरीके का डीआईवाई यूज करें शैम्पू करने के बाद. तो शैम्पू करने के बाद आपको इसको अच्छे से लगा लेना है पूरे जड़ों से सिरों तक, और इसको अपने बालों पे छोड़ना है लगभग 10 से 15 मिनट तक. 10 से 15 मिनट के बाद दोस्तों आपको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर सकते हैं, और उसके बाद इसको सुखा सकते हैं.
बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल तरीका है और इससे आपके बाल बेहद खूबसूरत मुलायम सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। अच्छा लगा आज का ये छोटा सा डीआईवाई, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।